हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो एक बात कहना चाहूँगी, जब मैं शफल कर रही थी ना, एक जैसे किसी की आह होती है ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पता नहीं ये किसके शब्द है लेकिन ये पक्का है, ये शफल करते टाइम ना मेरी इंट्यूशन कह रही थी और कार्ड बिल्कुल वहीं आया है, सफरिंग इन साइलेंस। ठीक है कि चुप रहकर कुछ चीज़ों को बर्दाश्त किया है। जिन स्थितियों में आप गलती में नहीं थे वहां पर भी आपको गलतियां माननी पड़ी, या ऐसे व्यवहार का सामना आपको करना पड़ा जो आप डिजर्व नहीं करते हो। नंबर 9 का कार्ड अपने आप में कहता है किसी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में, और यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस के बारे में बात कही जा रही है, यानी डेफिनेटली है कोई प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में चल रही है। मतलब आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि मालिक की लाठी में आवाज़ नहीं। एक होता है ना कि बेवजह के अत्याचार का ना आप सामना कर रहे हो, कि आप पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, और जिसको लेकर आपकी स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप पलट कर जवाब नहीं दे पा रहे हो। मतलब आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है या आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि कोई अपनी ताकत आपको दिखाने की कोशिश में है। आप ईश्वर की तरफ देख रहे हो, सूर्य की तरफ देख रहे हो, मालिक की तरफ, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हो कि किसी ने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है ना मालिक, आप उनको अपनी ताकत दिखाओ। आपकी चुप्पी जवाब चाहती है मालिक से, आप बोलकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, या एक समय में बहुत प्रार्थना की है कि मालिक कोई लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मतलब एक यहाँ एक बात लग रही है गाइस, एक अकेला इंसान बहुत ज़्यादा भूख रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और सबके सामने ना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखाना पड़ता है। कोई आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई आपकी इच्छाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आपके मन पर क्या बीत रही है, बेबसी आपको खुद को लेकर है गाइस। आपको ऐसा फील हो रहा है फिर ये लाइफ है क्यों, है ना? अगर मतलब यही चीजें हैं कि केवल दूसरों को खुश रखने के लिए ही लाइफ है, या दूसरों के लिए ही मेरी लाइफ को यूज होना है, यही चीजें चल रही है क्या? या ये चीजें चलेगी तो कब तक? मैं बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी के हाल क्या है? अभी आप शिकायत नहीं कर रहे हो, आप बोल कर नहीं कह पा रहे हो। अभी जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर किसी इंसान का घुटना, अंदर ही अंदर परेशान होना, लेकिन उनकी स्थिति नहीं है कि वो बाहर है ना आप बोल कर कह पाए। आप किसी इंसान को तो कहना ही नहीं चाहते, इतना तो ट्रस्ट आपको किसी पर है ही नहीं, जो भी है अंदर ही दबा रहे मन में, है ना? पर किसी इंसान को तो नहीं कहना, आप बिलीव ट्रस्ट आपको किसी इंसान पर कतई नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतना नज़दीक से ना आपके ट्रस्ट टूटे हुए हैं, आपके अंदर आपके जो विश्वास है ना, भरोसा, वो तोड़ा गया है। आप पहले प्रार्थना करते थे, अभी प्रार्थना नहीं करते, अभी सिर्फ आप देखते हो, चाहे आप मालिक के किसी रूप की पूजा करते हो ना, तो आप सिर्फ उनकी तरफ देखते हो, पूजा कर ली, आराधना कर ली, मंत्र उच्चारण कर लिया, जो कुछ भी है, ठीक है, बस आप उनकी तरफ देखते हो, होता कुछ, मतलब प्रार्थना बोलते कुछ नहीं अपने लिए कि मुझे ये चाहिए, मेरे सजेस्ट करो वगैरह। आप देख रहे हो, मतलब जैसे एक होता ना कि अति कब तक की है और इसका अंत क्या है, या जस्टिस कब होगा, मेरा कहना जरूरी है क्या, या बिना कहे ही होगा। बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान थे एक समय में आप, और सबसे ज्यादा चुप रहने वाले इंसान हो आप। ये परिवर्तन पहले हो सकता है, खुद की देख रेख करना बहुत पसंद आता था, खुद को सजना संवारना ये सब चीजें पसंद आती थी, खुद का ध्यान रखना पसंद आता था, अभी कुछ नहीं है।
अभी कुछ नहीं है, खुद की केयर नहीं करना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना। एक्चुअल में इच्छा ही नहीं हो रही खाने पीने की। मोस्टली टाइम आपका ऐसा ही रहता है, या तो एकांत में या फिर मतलब जैसे मिलना जुलना नहीं पसंद आ रहा गाइस, जैसे कोई खुद को ना आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप किसी के साथ बातचीत भी करते हो ना, थोड़ी देर बातचीत बातचीत कर ली आपने, लेकिन ज़्यादातर आप एकांत चाहते हो, हील होने की कोशिश करना चाहते हो, जैसे तैसे हील हो जाए। आपने एक चीज मन में सोची ना, है ना, किसी को भी नहीं कही ना, लेकिन ये रीडिंग के जरिए आप तक ये मैसेज पहुंचा, ये आपके सवाल का जवाब है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, है ना। ये था ना मन में, ये बात सत्य है, और ये मालिक यही कह रहे हैं कि देखो आपके लिए भी सवेरा जगेगा, आप जो चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में होगा। जिस प्रॉब्लम ने आपको घेरा हुआ है, ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी, और आपके साथ होगा न्याय, मालिक का न्याय। मालिक आपके हर दर्द को, आपकी हर आह को सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे, समझ रहे हैं, और वो बकायदा आपके साथ न्याय करेंगे। किसी ने आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है ना, ईश्वर अपनी पावर उनको दिखाएंगे। आप परेशान नहीं हो, आप शांत रहने की कोशिश करो। अभी आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए, खुद की परवाह करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तो आपको और ज़्यादा खुद का ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा आपके चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। नेगेटिविटी को ना आपके चेहरे की मुस्कान से बड़ा डर है, खौफ है। और अगर दुख को और नेगेटिविटी को भगाना चाहते हो ना, तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, और एक बार ट्राई करके देखो। क्या पता अगर ये उपाय काम कर गया, फिर कहोगे ये उपाय हमने पहले कर लिया होता। ये तो मैं कब से कह रही हूँ कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, अपने आप देख लोगे नेगेटिविटी, तकलीफें कम अपने आप होती जा रही है। ये आपका सबसे बड़ा अस्त्र भी है और शस्त्र भी है, ट्राई करके देख लो, फर्क पड़ जाएगा आपको अपने आप। और मालिक आपके साथ न्याय करेंगे। ये देखो आपके मन को ना, दिल को दुखी नहीं होने देंगे, सच कह रही हूँ। आप जो भी प्रॉब्लम में घिरे हुए हो ना, खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम। अब ये मैंने क्यों कहा बताऊँ, आपके हाथ में बैंड है, ठीक है, एक एक लकड़ी है आपके हाथ में, जो एक जिद्दीपन के बारे में बात करती है कि मैं बोलकर कुछ ना कहूँ, लेकिन मेरी तहे दिल से, पूरी आत्मा से, शिद्दत से मेरी पुकार है मालिक कि मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म करो, जो मुझे तकलीफ़ मिली है उसको लेकर मेरे साथ जस्टिस करो तो करो। ये आपके भाव है, और मालिक कह रहे हैं आपका दिल दुखने नहीं दिया जाएगा, हील हो जाओगे। 444 की एनर्जी आपको नज़र आ रही होगी, 444 ये दिख रहा होगा, या ग्रीन कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये चीज़ें, या फिर 22 की एनर्जी नज़र आना। ये कहीं ना कहीं मन की प्रसन्नता के बारे में, शांति के बारे में बात करते हैं, ये जस्टिस के बारे में बात करते हैं। नंबर 2020 लिब्रा की एनर्जी ये नज़र आ रही होगी आपको, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए, दुविधाएं आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए, और एक प्यारा सा जस्टिस, प्यारा सा न्याय आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। आपका भाग्य का उदय हो रहा है गाइस, कैसे समझाऊं मैं आपको। पता है जैसे ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहा है, मैं इसको समझाऊंगी, है ना, क्योंकि इसको पढ़ना पूरी तरीके से बेहद ज़रूरी है। इसने बात पहले की परेशानी के बारे में, आपकी चुप्पी के बारे में, आपके मन में जो भाव चले उनके बारे में, तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट है, यही चीज़ें चल रही है आपके साथ। एक और बात कह रहा है, एक बात कह रहा है, 9 की एनर्जी जो होती है ना, वो भाग्य उदय के बारे में। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर सूर्य का उदय होना, आप राह तक रहे हो, आपकी नज़रें थमी हुई हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ईश्वर कुछ अच्छा हो जाए, मेरे परमात्मा, कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं जी पाऊँ लाइफ, जो बची कुछ है ना उसको मैं जी पाऊँ, बच जाए मेरी लाइफ, है ना। किसी के खुद के लिए इतने तक में वर्ड्स निकल रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है वो भाग्य का उदय होना, वो भाग्य का साथ मिलना। आपकी लाइफ किस तरीके से परिवर्तित होगी ना, वो देखना गाइस, वो देखना। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, और ये कुछ भी झूठ नहीं है, ये सत्य होकर रहेगा, देखना। ये लो नंबर 3 की एनर्जी। 3 की एनर्जी के बारे में क्या कहा है, मैंने कईयों बार समझाया 3 की एनर्जी के बारे में, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर दिल का बहुत ज़्यादा दुखी होने के बारे में, आह चीखे निकलती है ना उसके बारे में बात कही जा रही है, कि चुप रहकर कोई इंसान तकलीफ को सहन कर रहा है। और यहाँ पर जैसे अभी हार्ट चक्र के बारे में कार्ड आया था, जो यही कहता है मन की खुशी, दिल की खुशी को वापस लौटा कर देना, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात करता है। ये कहता है हार्ट चक्र का ओपन होना, मन का खुश होना, प्रोटेक्शन मिलना, प्रॉब्लम का भाग जाना, लाइफ से ख़त्म हो जाना,
ग्रोथ मिलने, जिस भी बात को लेकर चिंता है वहां पर अगर तकलीफ एक बार बढ़ी है तो वो इस प्रकार छू होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी तकलीफ थी। उसके घावों को इस प्रकार से भर देना है ना, आपको शांत रहने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेशन करने की, खुद की केयर करने की आवश्यकता है, जहां पर क्या ऐसा छोड़ कर बैठ गए हो कि मुझे तो खुद की परवाह करनी ही नहीं, समय ऐसे निकलता जा रहा है, मेरा तो मन ही नहीं लगता खुद की केयर करने पर, खुद का ध्यान रखने पर कैसे नहीं लगता मन, है ना। आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। ये अच्छा नहीं लगता अभी इन दिनों में तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, है ना, खुद को खुश करने की कोशिश करो, जो भी आपके अपने हैं मित्रगण हैं उनसे बातचीत करो, थोड़ा तो खुद के लिए करना पड़ेगा, इतनी हेल्प खुद के लिए करो। और कह रही हूँ ना, ये कार्ड और ये कार्ड, ये प्रॉब्लम के बारे में, ये सॉल्यूशन के बारे में, ये दुखी मन के बारे में, ये सुखी मन के बारे में, बिल्कुल ऑपोजिट बात बता रहे हैं गाइस, है ना, कि चीज़ें इतनी अच्छी होगी, मन की प्रसन्नता होगी। यहाँ पर आपको उम्मीद, आप उम्मीद लगा कर बैठो, यहाँ पर कहा जा रहा उम्मीदें टूटी नहीं जाएगी आपकी, भरोसा रखो आप। अभी आपके पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है बताओ, आपको एक ही रास्ता नजर आता है, आपको एक ही उम्मीद है, वो है ईश्वर से, और वो उम्मीद टूटेगी नहीं आपकी, है ना। नंबर 3 की एनर्जी कह रही है, जिस बात को लेकर प्रॉब्लम चल रही है उसका खात्मा 100% होकर रहेगा, ठीक है, निश्चिंत होकर रहना, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका, इस प्रकार का जस्टिस आपके साथ होगा, है ना। आपके साथ कोई छोटा जस्टिस नहीं होगा, कोई परिवर्तन छोटा नहीं होगा, बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा। और क्या कहूँ मैं आपको, आपकी वैल्यू को ना समय कितनी बढ़ाएगा, है ना, कहता है ना कि सम्मान का ताज किसी इंसान में है ना, ना ये आप वो डिजर्व करते हो। लेकिन स्थितियाँ किस प्रकार की हुई आपके साथ, क्या आपके साथ बुरा बर्ताव बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ईश्वर को पता है आपके कर्म, आपने किस प्रकार से अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वाह किया है, वो ईश्वर से छुपे हुए नहीं है, हर जगह समर्पण दिया, हर जगह अपने प्रेम भाव दिया है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं की गई है, वो खाली में चले गए, उल्टा कोसा गया होगा आपको, है ना। लेकिन समय को पता, समय आपकी वैल्यू को किस प्रकार बढ़ाता है वो देखना। एक बात शायद आपको अपने बारे में पता नहीं होगी, आप महत्वाकांक्षी इंसान हो, पता है, आप एक स्थान पर, एक बात पर, जैसे सक्सेस मिल जाए ना, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना, ये नहीं, लालच वाला भाव नहीं है, आप उस स्थिति पर ना ठहर कर नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे मैं अलग वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे आप कोई काम करते हो तो आपको अपने काम में संतुष्टि नहीं आती, भले आप कितना भी अच्छे स्तर पर कर लो, कितने ही सारे लोग आपकी प्रशंसा कर ले, लेकिन फिर भी आप उसे और बेहतर में करने की तमन्ना रखते हो। ये होता है किसी इंसान का महत्वाकांक्षी होना, कि अपने ही काम में सेटिस्फैक्शन उन्हें नज़र नहीं आता। अगर कोई काम करने बैठ जाओ ना तो शिद्दत लगती है, खाना पीना भूल जाओगे पर उस काम को करोगे, चाहे कितने भी आर्ट्स लग जाए, अपनी रुचि से अगर किसी काम को करने बैठो ना, तब तो क्या ही कहना आपका, और कितना अच्छा उसका आउटपुट उभर कर आता है। ये होता है आपके साथ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपके उस ऊर्जा का ना सदुपयोग में लगना, समझ रहे हो, कि आप कोई काम करना शुरू कर दो, उस काम में आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी मेहनत इतनी अच्छी लगे कि वो बड़ी सक्सेस के रूप में आपके लिए उभर कर आए। एक बार संघर्ष हो जाएगा, ठीक है, एक बार मेहनत बढ़ जाएगी, आप वर्कोहोलिक हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप बड़े स्तर पर सक्सेस प्राप्त करके रहोगे, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो गाइस, आप कर्म से, सक्रियता से डरने वाले नहीं हो। नंबर 9 के एनर्जी वाले लोग जो होता है ना, वो डेफिनेटली गाइस, उनका भाग्य इतना साथ देता है कि अगर कोई काम में लग जाए ना, तो फिर मेहनत ईमानदारी से करते हैं, ये तो बात है, उनकी ईमानदारी पूरी तरीके से लगती है, और उस संबंध में, उस काम के संबंध में जितनी गहरी जानकारी वो उठा सकते हैं ना, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, उतनी करते हैं। और एक और चीज़ आपके साथ होती है, आपको गाइडेंस देने वाले कम लोग मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो बहुत बेस्ट मिलते हैं, या फिर अपने आप आपके लिए सुविधाएं हो जाती है, किसी न किसी प्रकार की गाइडेंस मिल जाती है, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए तो खुल ही जाता है, रास्ते आपके लिए बंद होते ही नहीं गाइस, और आप जिस तरीके से जाते हो, जिस दिशा में जाते हो ना, वहाँ आपके लिए रास्ता कोई ना कोई खुला होता है, जो आपके लिए मदद का काम करता है। ये आपकी किस्मत इस स्तर पर आपका सपोर्ट देती है, देखो संघर्ष भी देती है, लेकिन संघर्ष के साथ एक रिवॉर्ड भी लाकर देती है, अप्रिसिएशन भी लाकर देती है, आपको कुछ प्राप्त होता है तो ऊंचे स्तर का प्राप्त होता है, इस बात को समझो गाइस। भाग्य का अच्छा होने का मतलब यही नहीं है कि
बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाना ना। अगर संघर्ष हो भी जाए ना तो आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, हमारी मेहनत खाली नहीं जाना चाहिए। या उस स्थान पर उस स्थिति में हमें मालिक का सपोर्ट मिल जाए, भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे लिए मिरेकल से कम नहीं होता, जहाँ पर हमें ट्रस्ट बन जाए कि कोई पावर, सुप्रीम पावर हमारे साथ है ना, वो वाली बात के बारे में कहा जा रहा है। तो अभी कोई भी दिक्कत चल रही है उसका अंत होना निश्चित है, घबराओ मत, आपके साथ न्याय होगा, बड़ा न्याय होगा। ये लो खुद ब खुद काढ़ा मैं लूंगी, इसे होप रखो। यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर आप होप लगा कर बैठे और मालिक कह रहे बेटा होप को टूटने नहीं दिया जाएगा। नंबर 17, 17 तारीख आपके लिए कुछ चमत्कारी रहेगी गाइस, कुछ प्राप्त होगा आपको 17 तारीख को। जब भी ये रीडिंग देखोगे ना उसके बाद में 17 तारीख आएगी, या उसके 17 दिन के अंदर अंदर ना आपकी लाइफ में कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना गाइस आपको, या आपको किसी प्रकार के जस्टिस की खबर मिलना। फिर से कह रही हूँ कि ये जब भी रीडिंग आपके सामने आती है ना, या तो उसके बाद की 17 तारीख या फिर इस रीडिंग के बराबर 17 दिन के अंदर आपकी लाइफ में कुछ होगा, अच्छा होगा, जिससे आपके मन की प्रसन्नता बढ़े। ये भी हो सकता है कि आपके काम में ग्रोथ मिले आपको, है ना। ये भी हो सकता है कि आपके मन में खुशी आपको फील हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो वो ठीक हो जाए, है ना। स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे एक होता है ना कि फेफड़ों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ठीक है, या बार बार सर्दी जुकाम का लगना, बार बार हेल्थ का इशू बिगड़ना, ठीक है, कुछ ऐसा। तो हेल्थ में भी सुधार होते हुए नजर आए आपको, सर में बहुत ज़्यादा भारीपन है तो उस वो ठीक होना। एक काम करो गाइस इन दिनों में ना, इन दिनों में एक काम करो बहुत सही रहेगा। थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिविटी आपको फील होती है ना, मन शांत हो जाएगा आपका। कईयों बार बताया और ये तो कंटिन्यू में रखो, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं ना गाइस, तो ये उपाय बताने फिर से ज़रूरी होते हैं, है ना। जिनको पता है वो स्किप कर देना, ठीक है ना जी। नमक हाथ में लेकर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, मुट्ठी में लेकर बैठ जाओ, ठीक है, बोलना कुछ भी नहीं है। 5 मिनट के बाद में उसे फ्लश करके आ जाओ, तो आपके सर में भारीपन होगा या किसी प्रकार की नेगेटिविटी का आभास होगा ना, तो थोड़े दिन ये कंटिन्यू में करो, अपने आप रिलैक्स फील कर जाओगे, ठीक है। और घर में नमक का पोछा लगाना है, यही चीज़ करो। होप रखो, उम्मीद रखो, सब कुछ बेहतर में ही होगा, आपके साथ तो गलत कतई नहीं होगा। नंबर 5, ये परिवर्तन लेकर आएंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा आपको देखना, रिकवरी होगी गाइस कुछ मामलों को लेकर, 100% होगी, 100% होगी। आपकी चुप्पी का जवाब आ रहा है 5 हफ्तों में। ये मैसेज अलग था कि 17 दिन के अंदर अंदर कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ये मैसेज अलग था, लेकिन इससे बड़ा कोई चमत्कार जैसा, है ना। कहते हैं ना कि एक साथ 2-3 चीज़ों का आपकी लाइफ में घटित होना, एक के बाद एक, इन्हीं समय के दरमियान में, एक जैसा कहा 17 दिन या 17 तारीख, ऐसा कुछ एक होगा 5 हफ्तों के मध्य में गाइस, कुछ बड़ा चमत्कार, कोई बड़ी रिकवरी आपकी लाइफ में सडन होगी देखना। मतलब आपका ध्यान जिस बात पर नहीं होगा, जिस समय पर उस सिचुएशन को लेकर नहीं होगा ना, वो सिचुएशन उस दिन खत्म हो जाएगी देखना, यकायक। शायद आपको कहता है ना कि कुछ घंटों पहले भी पता ना हो कि आज मेरी प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी, या आज मेरी लाइफ में ये मिरेकल होगा। बैठे बैठे 5 हफ्तों में आपके साथ कोई बहुत बड़ा चमत्कार, मुझे जस्टिस का लग रहा है गाइस, मुझे जस्टिस का लग रहा है, किसी प्रकार की एक नियंत्रण से मुक्ति कहते हैं ना। मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान हो, तो एक कर्मा रिटर्न है ना, एक कर्मा रिटर्न ये चीज़ लग रही है कि 5 हफ्तों में आप देखोगे किसी प्रकार का बड़ा जस्टिस आपके साथ हो रहा है, हो जाएगा डेफिनेटली। एक लंबे समय से जिस पीड़ा को भोग रहे थे ना, वो पीड़ा का खत्म होना, कोई इंसान बार बार लगातार कंटिन्यू परेशान कर रहे थे, इन्हें कर्मा भी मिल रहा था लेकिन फिर भी परेशान कर रहे थे ना, उनको कर्मा मिलना, और अब निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, कुछ ऐसा का ऐसा लगेगा फ्रीडम मिल गई आपको। अब मैं किसी के लिए गलत बात नहीं कह रही कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जस्टिस की बात आई है कि आपके साथ न्याय होने के बाद मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि किसी इंसान का पता चल रहा है कि कोई अति में आपको परेशान कर रहा है, अति में, है ना, कि एक
पार जाकर, कहते ना कि सर पर से पानी का गुजर जाना, इस हद तक मैं कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है? मालिक भी कब तक मौके दे, कब तक चांस दे? इन्हें कईयों बार चांस दिए गए हैं लेकिन कोई सुधरने का नाम ना ले, तब क्या किया जाए? ये ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, कि आपकी परेशानी का खत्म होना, परेशान करने वाले लोगों से डिस्टेंस क्रिएट होना, या फिर आपकी लाइफ से उनको दूर किया जाना, है ना? सेलिब्रेशन का कार्ड पॉपअप हुआ था, नंबर 19 का कार्ड। ये अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। अगर नंबर 3 और ये 19 का कार्ड देखे तो एक जैसी बात के बारे में कहता है, सॉरी, एक जैसी बात के बारे में कहता है कि आपकी पुकार को ना मालिक ने सुना है। आपकी विश एक नहीं, एक से ज़्यादा विश की पूर्ति होगी, देखना, आपकी एक से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको भाग्य का इस समय में बहुत साथ देखने को मिलेगा गाइस, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर देखे ना, तो हेल्थ में रिकवरी, आपकी जैसे कंधों में, भुजाओं में दर्द, पेन बहुत ज़्यादा रहना, बॉडी पेन बहुत रहना, इसमें फर्क देखने को मिलेगा गाइस, है ना? इनका कार्ड कहता, अपने आप में कहता है कि ईश्वरीय कृपा का मिलना किसी इंसान को, उनके अच्छे कर्मों का फल उनको मिलना, जैसे कहा ना यहाँ पर सडन गेन की, गेन के बारे में कहा जा रहा है, सडन गेन आपको होना गाइस, है ना? ऐसी स्थिति में आपको कोई खुशी लाकर देना जिस समय में आपको आभास भी नहीं था, इल्म भी नहीं था कि ये खुशी मुझे मिल जाएगी। एक चलते चलते कहता ना किसी डायरेक्शन का चेंज हो जाना, और वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है, और उस परिवर्तन को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, ये परिवर्तन मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक चलते चलते डायरेक्शन, दिशा थोड़ी चेंज होनी, पर वो पूरी लाइफ टाइम के लिए, कहता ना, मन की शांति ला कर दे दे, जैसे एक ही बार में कलेश का पूरी तरीके से खत्म होना, वहां पर एक रोक लग जाना कि जिसकी वजह से आपके, आपको मानसिक तनाव ना मिले, मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं ना, उनसे एक डिस्टेंस बड़ा खासा क्रिएट होना गाइस, एक वही डायरेक्शन चेंज हो जाना कि लो अब आपको तकलीफ देने वाली चीजें ही नहीं है, अब आप निश्चिंत होकर जियो, अब आप खुशी से जियो, अपने खुशी से काम करो, उसमें आपको सक्सेस, उसमें आपको सफलता, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके किसी भी मामले पर नहीं पड़ेगा, हर मामले को लेकर सुरक्षा, फिर आपके संघर्ष भी उतने नहीं होंगे, आपके हेल्थ के इशू भी उतने नहीं होंगे, उतना तनाव ही नहीं होगा आपको, उतना दवाइयाँ लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हर थोड़े थोड़े दिन में दवाई लेने की आवश्यकता पड़े, ये कोई मतलब वाली बात है क्या, है ना? ना जी, ऐसा नहीं करते, ये तो शरीर को खराब करने वाली बात है, ऐसा नहीं। अब तो कहता है ना कि हीलिंग मिलने, लेकिन ईश्वर की तरफ से मिलने, जा हेल्थ अपने आप ठीक हो जाए, रिकवरी मिल जाए। ये मैंने कहा ना कि ये सेलिब्रेशन का कार्ड पॉपअप हुआ था, और नंबर 3 के पास 3 की एनर्जी, अब तो घबराने की और कतराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से नंबर 3 की एनर्जी, लॉस की भरपाई हो रही है, लॉस की भरपाई हो रही है। ये देखो कुछ दरवाजे ना बंद हो रहे हैं, जहाँ पर आपको असहाय किया गया है ना, देखो कहाँ ये स्थिति, नंबर 2 की स्थिति, और यहाँ कहाँ, यहाँ पर कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है तो भ्रमित करने वाले, और ऐसे ऑप्शन है जिनका मैं चयन ही ना कर पाऊँ, इतने बुरे ऑप्शन, मतलब एक कोई मौका भी आपकी लाइफ में आ रहा था ना, तो वो एक्सेप्ट करने जैसा नहीं, जैसा कहा ना परिवर्तन भी कोई लाइफ में आ रहे थे तो वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं, अब परिवर्तन होंगे या कोई मौके आएंगे तो ऐसे कि जहाँ पर आप खुद को असहाय फील नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके अंदर है कि अब तो मुझे लाइफ को अच्छा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, अपनी एनर्जी को पहचाने की, क्या क्या मन में चलता है आपके, कितने सवाल और कितने जवाब, हाँ। तो देखो यहाँ पर आप अपनी हेल्प खुद कर पाओगे, ऑप्शन आएंगे आपके पास, बेहद खूबसूरत ऑप्शन ऑप्शन आएंगे जिनका चयन करके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी एनर्जी को पहचानते हुए, अपनी हेल्प करते हुए का यहाँ पर आप ईश्वर से प्रार्थना करो, मुझे मेरी खुशियाँ दो मालिक, मेरा साथ दो मालिक, है ना? और यहाँ पर आके झोली में वो खुशी दी जा रही है, लो बेटा ये चमत्कार, कहा ना यहाँ पर स्पष्ट रीडिंग कह रही है, नंबर 333 की एनर्जी ये कह रही है डेफिनेटली लॉस की भरपाई करना, धैर्य रखा है, सबर रखा है, वो सबर खाली नहीं जाएगा, ये पक्का है। नंबर 14 की एनर्जी है, इसे भी काउंट करे तो नंबर 5 की एनर्जी आती है,
मैसेज में मैसेज का आना, ये देखो कलाकारी आपके लिए। वाकई में गाइस आप सच में मालिक के बड़े प्यारे बच्चे हो। आपको मालिक तनाव में रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन बेवजह की स्थितियाँ आपको भी पता है, कहीं कहीं पर ना बेवजह की तनाव की स्थितियाँ हैं, और कहीं कहीं पर ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, वो जाती है नेगेटिव में, कि इतना बुरा स्तर पर हो जाएगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। और जो भी परिस्थिति बनी हुई है, मैं तो ये कहूँ कि मन में यही सोचना, हर एक सिचुएशन में मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, मेरी लाइफ में तो खुशी आएगी। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत क्यों होगा? आपने बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा कैसे होगा? कतई नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, और होगा भी नहीं, और सोचना भी नहीं, ठीक है ना? खुश रहने की कोशिश करो। नंबर टू की एनर्जी कहाँ, ये कहाँ, ये एनर्जी कहाँ? मौके कितने आते हैं आपकी लाइफ में देखो, खुशी कितनी आती है आपकी लाइफ में देखो, दिल खुश हो जाएगा, मेरे शेर मेरे योद्धा, सच में बहुत अच्छे मोमेंट आपकी लाइफ में बनेंगे, अच्छी अच्छी चॉइसेस आपके साथ आपके लिए आएगी, डिसीजन आप अच्छे ले पाओगे, भ्रमित होने वाले भाव नहीं, नुकसान भविष्य में मिले ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रोटेक्शन के साथ, सब कुछ बेहतरी में। ये है परिवर्तन गाइस, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे, सॉरी, इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना खूबसूरत सा आपको मिलना, काफ़ी रोए हो आप, लेकिन कहता ना एक एक हद एक अति, कहा ना यह चीज़ें ना दुख एक अति में जा रहा है, आपका रोना एक अति में गया है, बहुत रोए हो लाइफ में बहुत, और स्पेशली कहूँगी कि एकांत में आप ना किसी की सहमति पाने के लिए नहीं, कि कोई आपका रोना देख कर ना आपके साथ अत्याचार करना बंद कर दे या आपको समझने की कोशिश करे, ना ऐसा नहीं, कमज़ोर तो आपने खुद को दिखाने की कोशिश करी नहीं है, हाँ अपना प्रेम भाव बताने की कोशिश करिए कि कोई आपके प्रेम को समझे, कोई आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश करे, नहीं समझना जिसको नहीं समझेंगे गाइस, वहाँ पर उम्मीद रखना भी गलत है ना? बट अब क्या है कि जितने रोए होना उतनी शानदार लेवल पर ना मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आप खुद महसूस करोगे, आप खुद मुस्कुराओगे, देखना आपको वो बहाने दिए जाएंगे कि एनी टाइम आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, रिकवरी होगी, इस अंधेरे से आपको बाहर निकाला जाएगा, उसकी उम्मीद है, जो ये कार्ड भी कहता है, ठीक है? तो परेशान नहीं हो, सेलिब्रेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हो उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है ना जी? मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ कि कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। पिकॉक ये भी कार्ड जो है ना, ये यही कहता है गाइस कि कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ना 333 की एनर्जी है गाइस, ये तो अपने आप में यही कहती है कि बेवजह की स्थितियाँ कुछ किसी समय में बन जाना, ठीक है? ये स्थितियाँ बनने का रीज़न कुछ और होता है गाइस, ये दिखता है कि बहुत बड़ी तकलीफ बन रही है कुछ है, लेकिन ये एकमात्र बहाने के अलावा और कुछ नहीं होता है, ये दिखती है तकलीफ, लेकिन ये तकलीफ के अंदर बहुत गहरा राज छुपा हुआ होता है, शायद आपकी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट करवाने के लिए, शायद आपको किसी ब्लेसिंग तक पहुंचाने के लिए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान आपकी लाइफ पर से हटाने के लिए, कुछ लोगों को आपकी लाइफ से निकालने के लिए, ताकि आपकी लाइफ सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए, या कोई ब्लेसिंग अगर आप तक आने वाली हो तो कोई रोड़ा रुकावट बनने की कोशिश ना करे। पिकॉक की एनर्जी यही कह रही है कि अभी अगर मामला स्थितियाँ कुछ बनी हुई है तो थोड़ा सा समझो, थोड़ा बिलीव करो कि मालिक ने अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में की है तो गलत आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, कहा ना अगर गलत नहीं किया तो गलत कैसे होगा आपके साथ, जो भी स्थितियाँ बनी है उसका अच्छा आउटपुट ही आपके पास आएगा, इतना बिलीव रखो। पिकॉक की एनर्जी है गाइस, ये खुशी के बारे में बात करती है, ब्लेसिंग के बारे में बात करती है, और मालिक की कृपा है आप पर, गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, बकायदा आपके लिए यही है, सक्सेस की सवारी करना, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना, यहाँ पर भी जस्टिस का आ गया, मैजिक की छड़ी आपके हाथ में है, ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्यारा सा खूबसूरत सा आपके लिए होने जा रहा है, खुद की केयर करना, खुद का निखरता हुआ रूप देखना गाइस,
दिन प्रतिदिन ना आपके चेहरे में कितनी चमक आती है, आपका मतलब चेहरा जो कितना चमकता है, खूबसूरती में इजाफा होना, ये चीज़ें का है। जब भाग्य साथ देने लगता है, जब समय हमारा अच्छा चलने लगता है ना, तब ये चीज़ें होती है ना, कि सुंदरता में और निखार आना, ये चीज़ें आपके साथ होनी, और जस्टिस आपके साथ होगा बाकायदा। क्योंकि यहाँ पर आपने कहा है ना कि मालिक, किसी ने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, आप अपनी ताकत दिखाना, तो ये कर्मा रिटर्न, ये सड़न होगा, जो यहाँ पर भी कह दिया गया है। कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, मतलब आप वो इंसान हो जो मतलब ट्रस्ट थोड़ा मुश्किल मुश्किल से करते हो गाइस, इस वजह से आपके लिए ना कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन आ रही है। थोड़ा बिलीव करो ना, सच में सब अच्छा होगा, इतना परेशान या नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी तक में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, उनमें कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ क्या? कभी कभी ना एकांत में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करो, शांत होने की कोशिश करो, और लाइफ के प्रति ना अपने नजरे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। ग्लास, आधी ग्लास जो भरी हुई होती है ना, उसमें ये मत देखो आधी ग्लास खाली है, आधी ग्लास भरी हुई है, वो नजरिया ऐसा करो गाइस, ये जो भी सिचुएशन बनी है उसमें अभी तक में क्या आपके लिए अच्छी चीजें उभर कर आई है। मैच्योरिटी समय ने किस बात को ला कर दी है आपको, है ना, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने आप पता चल जाएगा। और कुछ चीज़ें अनफोल्ड नहीं होती तो नहीं होती, वो एक समय आने पर ही होती है, वो एक डिवाइन टाइम पर फिक्स होता है कि तब आपके धैर्य का, सब्र का फल आपको दिया जाए उस ब्लेसिंग के रूप में, कि क्या मालिक आपके लिए मैजिक लेकर आ रहे हैं, मिरेकल लेकर आ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर हमें सोच विचार नहीं करना, उसके लिए बार बार जद्दोजहद नहीं करनी कि अभी तक में ये मिरेकल नहीं हुआ, या अभी तक में ये कोई खुशी नहीं मिली है, या क्या मुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है, अपने आप मिलेगी। यहाँ पर कहा ना, ऐसे समय पर मिलेगी जब आपको उम्मीद ही ना हो, क्योंकि आपकी उम्मीदों को नहीं टूटने देना है ना, तब आपको वो कोई खुशी मिलेगी। और यहाँ कन्फर्मेशन है 100%, 100% आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी, कोई मिरेकल आपके लाइफ में होगा, कोई जादू की छड़ी आपकी लाइफ में घूमेगी। देखना हाथ तो आपके खाली रहेंगे नहीं, ये देखो अपनी ऊर्जा को पहचाना, कहा ना नंबर 3 की एनर्जी खुद की ऊर्जा से कनेक्ट करवाती है, और तब इंसान जाकर ना इतना खुश होता है, अरे मेरी ऊर्जा ये है, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है, और मैंने खुद को कितना कमजोर समझा, कितनी गलत बात करी मैंने खुद के साथ, खुद को नहीं संभाला, खुद को नहीं समझा, खुद को कभी प्यार नहीं किया, इग्नोर किया, कितनी गलती कर दी। आप क्या क्या कर जाते हो लाइफ में वो देखना, आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके लिए जिंदगी जीना बहुत आसान है, आपने जिंदगी को जीना सीखा नहीं है, माफ करना लेकिन ये सत्य बात है। और जब खुद की एनर्जी को पहचान जाओगे ना, एक एक दिन, एक एक पल कितनी खूबसूरती से जीते हो वो देखो आप। एक होता है ना स्वतंत्र पंछी जिन्हें आसमान में उड़ना आ जाता है, बिल्कुल कुछ वैसा। और सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मैं सच कहूं ना, क्योंकि अगर ये चीज आपको प्राप्त हो जाती है, ये एनर्जी आप फील कर जाते हो ना, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा आपको, आपके दिमाग में यही रहेगा, दिल में यही रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तो मैं खुद कर लूंगा, कर लूंगी, मेरे काबू में होगा, या मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मैं जिनको भी मानता हूँ, मेरे अल्लाह जीजस है ना, वो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। ये यूनिवर्स पर इतना बिलीव किसी बच्चे का, और आपके काम में आपको सक्सेस ये भी है ना, ये आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी लगने का है। ये अभी देखो थोड़े टाइम में ना आप अपनी इस ऊर्जा का एहसास करोगे, एक किसी काम में ना आपकी ये ऊर्जा लगेगी, और आप देखोगे कि कितने अच्छे से मैंने ये काम किया है, ये मैं हूं क्या? हाँ ये आप ही हो, पर खुद को पहचाना कभी नहीं। आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 5 के साथ, अभी जस्ट कहा था कि कुछ चीज़ें हिडन होती है, ब्लेसिंग के रूप में होती है, जिन्हें जिनके साथ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं होती कि कब मिलेगी, कब उसका डिवाइन टाइम आएगा, ये वो, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है सडन गेन के बारे में। आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं कि एक ऐसी खुशी आपके भाग्य की, सौभाग्य की लाकर आपको देनी, कि जहाँ पर आप परिपूर्ण महसूस करो, है ना, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। ये ऐसे समय पर, जैसे कहते हैं ना कि सडन गेन होना, है ना, सडन किसी कोई खुशी का प्राप्त हो जाना, उसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर आपकी उम्मीद है। देखो यहाँ पर भी होप, यहाँ पर भी मतलब 3-4 कार्ड जो है ना वो होप के बारे में आए हैं, कि आपकी उम्मीद नहीं टूटने दी जाएगी, प्लीज़ मालिक से ना जो उम्मीद रखी है उस पर बिलीव रखो,
सडन गेन के बारे में है ना, अचानक किसी प्रकार की प्राप्ति हो जाना, अनएक्सपेक्टेड किसी खुशी का लाइफ में आना उसके बारे में। और आर्कएंजल गैब्रियल भी यही कहते हैं कि आपके हक और नसीब की खुशी आपको लौटा कर देना, है ना, छूट गई है तो वापस से ला कर दे देना, इतना सुरक्षित कर देना कि कोई उसे कुछ छीन ना सके, है ना। तो यही मिलना का ऐसा आपको। क्रिएटिव वंडरमेंट, अपनी क्रिएटिविटी को समझना, अपनी ऊर्जा को समझना, कोई गुड न्यूज़ का कॉल आने वाला है गाइस आपको। ऐसा कहा ना कि या तो जस्टिस की खबर मिलेगी या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, लेकिन कोई तो बेहतर, कोई अच्छा कॉल आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं, अतिथि का आगमन भी आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है इन दिनों में। देखना कोई अचानक आपके घर पर भी आ सकता है, ठीक है, ये भी है। कोई प्रशंसा आपको मिलेगी गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी से वार्तालाप होगी आपकी, सड़न किसी से वार्तालाप होगी और कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके वर्क को लेकर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, है ना, कोई भी, लेकिन आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है आपके सोसाइटी से भी आपको अप्रिशिएट किया जाए, प्रशंसा की जाए आपको, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये देखो आप में है वो गाइडेंस इतना अच्छा है। ये थोड़ा समय और परिस्थितियों की वजह से ना ये थोड़ा टूट गया है, बिखर गया है, इसको फिर से इकट्ठा करो और फिर देखो कोई इसे तोड़ नहीं सकता, है ना। लीडरशिप क्वालिटी है, लॉन वाली एनर्जी है, यार एक पैर पीछे किया है तो लंबी छलांगे लगाओगे, देखना। समझ रहे हो ना, अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करो। शेर अगर थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाता है ना, इसका मतलब वो दहाड़ लगाना नहीं भूलता। समझ रहे हो ना, आपका वो आत्मविश्वास, अपने बचपन तक की चीजों को सोचो, बचपन में कैसा था आपका आत्मविश्वास, अपनी अपनी एज से ना आगे बढ़कर काम करते थे, है ना, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी चलती थी, कितना कहते हैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना, जवाब देना। अब मैं ये नहीं कह रही कि गलत जगह पर गाइस, लेकिन एक समय के आधार पर कहते हैं ना कि हाजिर जवाब भी आना, है ना, ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन करे तो हमें उसका रिप्लाई देना आना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए एक व्यवहार को ढाल के रूप में काम में लेना, उस बात के बारे में कहा जा रहा है, मतलब बुद्धि का इतना अच्छा चलना कि फैसले लेने की आवश्यकता पड़े तो निश्चिंत होकर अच्छे से फैसले लेना, जहां पर डर ही नहीं कि कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा, वो वाली बात। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, कॉन्फिडेंस है ना। और मन में थोड़ा ना बच्चों वाला भाव रखो, है ना, न्यू बिगनिंग लाइफ में ये हो रही है। डव, कंपटीशन और मनी, मनी आपकी लाइफ में आ रही है, इल्यूजन से दूर रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हर एक प्रकार की इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, मनी आपकी लाइफ में आती हुई, मनी के सोर्सेस आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, यही बात है गाइस, तीन होप के कार्ड आए हैं तो यही कह सकते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। तो थोड़ा सा ना मालिक पर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की होड़ आपसे कर रहा है तो उस होड़ को आप तोड़ दोगे और लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अबंडेंस बहुत अच्छी आपको मिलेगी, इस पर बिलीव रखना। और ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है जो यही कहता है कि इनवाइट मैजिक इन, अपनी सोच के आधार पर मैजिक को लाइफ में इन्वाइट करने की कोशिश करो, बकायदा सब कुछ अच्छा होगा। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसे आप खुद देखना सहर्ष स्वीकार करोगे कि ये तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, जैसा मैंने सोचा ना उससे कईयों गुना ज़्यादा अच्छा हुआ। यही आपके वर्ड्स होंगे, देखना यही वर्ड्स होंगे आपके कि मेरी सोच से ज़्यादा मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है। तो खुश रहना और खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।